मैं फादर मैथ्यू सेंट फ्रांसिस चर्च दैट्यून कैन अमृतसर का इंचार्ज फादर है, पारिश प्रीस्ट। आज तमाम दुनिया के साथ मिलकर असी भी प्रभु येसु मसीह का जन्मदिन या क्रिसमस मनाया। ये दिन तुम्हें पता है क्रिसमस मतलब येसु मसीह जन्मदिन, क्रिसमस क्राइस्ट का मास, मास मास मीन कुर्बानी अपना पूजा पाठ है। ये दोनों मिलकर क्रिसमस मनाया जाता है। यानी आज के दिन जो असी चढ़ाई प्रार्थना रहता है और प्रार्थना येसु मसीह जन्मदिन के आद इस कराया जाए क्रिसमस। अब क्रिसमस दिन वाला की है येसु का जन्म। येसु ने जन्म क्यों लिया? येसु ने इसलिए दिया कि जब इंसान ने पाप किया है, पगले माँ बाप आदम से हुआ ने पाप किया, खुदा बाब ने चाहिए कि ये नुकसान नाश ना हो जाए, सगो ये मेरे साथ स्वर्ग बच्चे खुदा के अधीन बच्चे खुदा के साथ रहे। इसलिए उन्होंने वायदा किया मैं अपने एक इकलौते बेटे मसीह दुनिया में भेजांगा। वो मनुख के रूप धारण करके खुदा का बेटा मनुखी रूप धारण करके दुनिया में आया। आके वो आने का त्यौहार है आज जन्म क्रिसमस। ये इस साल असी 2020वां जन्मदिन मनाया है। अभी 2020 साल अभी थोड़े दिनों बाद 2021 प्रवेश होना है। सो ये दिन असी खुदा दे इज्जत विच वो खुदा वालों जो संदेश लाया है वो संदेश की है, प्यार का संदेश है, शांति का संदेश है, एक साथ मिल के रहना, मिलजुल के रहना, भाईचारे विच रहना, यही है प्रभु का संदेश है। तमाम दुनिया ले, ये सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं है, मनुख सारे मनुख जाति को बचा करने लिए, सारे मनुख जाति भलाई लिए, सारे मनुख जाति दे मुक्ति लिए, वो मुक्ति दा देश मसीह धरती उत्ते आया। ये सिर्फ ईसाई लोग नहीं है, बावे ईसाई लोग ही त्यौहार मनाया जाता है, पर भी सच्चाई विच सारे लोग मिल जुल के ये त्यौहार जन्मदिन ये जश्न मनाया जा रहा है। सो इस अवसर पर सारे देशवासियों यानी जो भी ये चैनल देखता है उन्होंने सारियां मेरे वालों बड़े दिन की मुबारकबाद ते आने सारे वाले नवा साल के हरेक न प्रभु येसु मसीह द्वारा दिते गए वो प्यार का संदेश शादी संदेश हरेक मिल जाए। खुदा सारे अपने आशीषा नाल बारामल करे। धन्यवाद।